गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 1 जो है द लिटिल ब्लैक बॉय उसके क्वेश्चन आंसर्स। ओके गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है आपकी बुक में पेज नंबर 6 पे है ये ऑप्शन टाइम टू आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन ये है गाइस, What is meant by my soul is white? इससे क्या तात्पर्य है कि my soul is white, जो मेरी आत्मा है वो white है, इस बात से क्या मतलब है? The black boy brings up the color of white, which is often associated with good things like angels, and black, which is often associated with bad things like darkness. जैसे कि स्टूडेंट्स हमने चैप्टर में पढ़ा है कि जो ब्लैक बॉय है वो अपने आप को थोड़ा कुंठाग्रस्त होता है, वो अपने आप को सोचता है कि वो कहीं ना कहीं लैक कर रहा है, तो और जो व्हाइट है वो व्हाइट को सुप्रीमेसी शो करता है कि वो बड़ी अच्छी चीज है। तो यहाँ पर व्हाइट का मतलब क्या है, व्हाइट मतलब विच इज ऑफन एसोसिएटेड विद गुड थिंग्स, जो व्हाइट कलर है वो अच्छी चीजों से एसोसिएट करता है जैसे एंजल्स होगी, और जो ब्लैक कलर है विच इज ऑफन एसोसिएटेड विद बैड थिंग्स लाइक डार्कनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, वेयर डिड द मदर पॉइंट व्हाइल स्पीकिंग विद द चाइल्ड? जब उसकी माँ उसे समझा रही थी, उसे बता रही थी, उसे बातें कर रही थी, तो उसकी माँ किस जगह किस ओर पॉइंट कर रही थी जब वो अपने बच्चे से जो माँ है बात कर रही थी? आंसर है गाइस, द मदर पॉइंट्स टू द ईस्ट व्हाइल स्पीकिंग विद द चाइल्ड। जो माँ है वो ईस्ट यानी पूर्व दिशा की ओर से की ओर इंगित कर रही थी, पूर्व दिशा की ओर इंडिकेट कर रही थी जहां से सूर्य उदय होता है। ठीक है ना गाइस, हमने चैप्टर में पढ़ लिया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज गॉड गिव अवे? भगवान हमें क्या देता है, व्हाट डज गॉड गिव अवे? गॉड गिव्स अवे हिज हीट, लाइट, फ्लावर्स, ट्रीज एंड बीस्ट। गॉड हमें अपनी हीट देता है, लाइट देता है, फ्लावर्स देता है, ट्रीज देता है एंड बीस्ट। ये सभी जो है हमें गॉड क्या हमें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और जैसे हमने पढ़ा था धरती जो हमारी पृथ्वी है वो यूनिवर्स का एक छोटा सा स्पेस है जिसमें हम सभी रहते हैं, और भगवान हमें ये सब चीजें क्या करते हैं प्रोवाइड करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, After the cloud vanishes, what will the children hear? अब यहाँ after the cloud vanishes, guys, cloud का मतलब यहाँ पर वो बादल नहीं है जो होते हैं, ये बादल cloud का मतलब बताया गया था human body को, body को, जैसे कि chapter में पढ़ा था कि चाहे black हो चाहे white body हो सभी जो है भगवान की देन होती है। तो after the cloud vanishes मतलब जो शरीर है जो body है वो गायब हो जाएगी तो वो किसकी आवाज सुनेंगे, वट विल द चिल्ड्रन हियर? तो बच्चे हैं किसकी आवाज सुनेंगे? आफ्टर द क्लाउड वैनिशेस द चिल्ड्रन विल हियर हिज वॉइस। जब क्लाउड वैनिश हो जाएंगे तो चिल्ड्रन उसकी आवाज सुनेंगे, हिज का मतलब है गॉड। ठीक है ना, पढ़ा था ना गॉड की वॉइस सुनेंगे, गॉड उन्हें आवाज देगा। आज प्यारे बच्चों उनकी गोल्डन टेंट में रहो, जिस तरह से क्या होते हैं एक मेमने जो लैम्ब है जिस तरह से रिजॉइस करते हैं उस तरीके से जो है कि जब उनकी क्लाउड वैनिश हो जाएंगे तो चिल्ड्रन सुनेंगे किसकी आवाज, हिज। यहाँ पर हिज का मतलब है गॉड। ठीक है गाइस, आपको इतने क्वेश्चन आंसर समझ आ गए होंगे। ओके गाइस, वे विद वर्ड्स बी पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।